नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग अ फेलो ट्रेवलर के फिल इन द ब्लैंक्स का अध्ययन करेंगे। मित्रों, परीक्षा में यह सेक्शन पूछता है, उस लेसन से उठा करके कुछ शब्द दे देता है फिलअप करने के लिए, और यह आप तभी कर सकते हैं कि जबकि लेसन को अच्छी तरह से आप पढ़े रहेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority। अब इसमें इन चारों वर्ड्स में से एक टू भरना है, तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। I felt my heart warming towards him। करें, मैंने अपने हृदय में महसूस किया, वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। फेल्ट वार्मिंग का मतलब होता है कोमल भावनाएं महसूस करना। मैंने अपने हृदय में कोमल भावनाएं उसके प्रति महसूस किया, एंड द सेंस ऑफ सुपरियोरिटी, और श्रेष्ठता की भावना फेडिंग समाप्त हो रही थी। मतलब राइटर जो है उस मास्किटो, मच्छर के प्रति कहता है, उसके बारे में कहता है कि मैंने उसके पहले वो उसको मारने की कोशिश किया, और फिर जब नहीं मार पाया तो बाद में वो अपना माइंड चेंज कर दिया। तब उसे कहता है कि अब मुझे उसके प्रति जो है कोमल भावनाएं मेरे मन में महसूस हो रही थी, और जो श्रेष्ठता की भावना थी वो समाप्त हो रही थी, क्योंकि उस जो एक प्रतियोगिता हम दोनों के बीच में हुई थी, मैं उसमें हार गया था। फिर से बता दूं मित्रों इसको। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम। मेरा हृदय उसके प्रति कोमल भावनाएं महसूस कर रहा था, एंड द सेंस ऑफ सुपरियोरिटी, और श्रेष्ठता की भावना फेडिंग, ये रहेगा फेडिंग रहेगा, श्रेष्ठता की भावना समाप्त हो रही थी, फेडिंग। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द फर्स्ट। अब इसमें देखिए, इसमें कैरिज रहेगा, ये इसका अर्थ होगा कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि विच ऑफ अस, हम में से कौन गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, डिब्बे में सबसे पहले चढ़ा। सॉरी मित्रों, ये गलत है, ये रहेगा कैरिज, ये रहेगा, ये गलत है, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, मैं नहीं जानता कि डिब्बे में हम दोनों में से पहले कौन चढ़ा। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डिब्बे का दरवाजा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री। अब देखिए इसमें फ्लटरिंग रहेगा, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री फ्लटरिंग राउंड द लैंप, लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। अगला है, इट वॉज अ पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वे दिस वॉज माई स्टेशन। देखिए इसमें जो है, इस वाले में यहां पर फ्रेंडली रहेगा। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक परिचित कुली था, गिविंग मी हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। तो राइटर जब जाते ट्रेन में आते समय, उसे जब नींद लग जाती है तो उसका एक परिचित कुली रहता है, उसे सुबह जगाता है। अगला है, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, करे वह जो है वन ऑफ दोज विंगी, उन पंखों वाले निपी तेज इंटरपीट और साहसी इंसेक्ट कीड़ों में से एक था, दैट वॉज कॉल वैगली, जिस दैट वी कॉल वैगली, से हम स्पष्ट रूप से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, मॉस्किटो, मॉस्किटो। इसमें यह कहना है कि वह जो है उन पंखों वाले तेज और साहसी कीड़ों में से एक था, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर बुलाते हैं। अगला है, He played with me, वो मेरे साथ खेल रहा था, openly, खुल करके, and ऑस्टिनसली, और दिखावे के लिए, like skillful matador, उस कुशल मेटाडोर की भांति, इसमें मेटाडोर रहेगा, उस कुशल मेटाडोर की भांति, finishing round an infuriated bull, जो एक क्रोधित सांड का सामना करता है। कह कि वो मेरे साथ ओपनली, खुल करके और दिखावे के लिए खेला था, जैसे कि एक कुशल मेटाडोर जो है एक
क्रोधित सांड का सामना करता है। देखिए मेटाडोर जो होता है, फ्रांस में जब सांड और मनुष्य की लड़ाई होती है तो जो सांड से जो व्यक्ति लड़ता है उसे मेटाडोर बोलते हैं, और वह बहुत कुशल व्यक्ति होता है, सही व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, देखिए यहां पर ऑफ रहेगा, OFF, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया, फ्लिक ऑफ मींस उड़ाना, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। अगला है कि जस्टिस डिमांड इट, न्याय यह मांग करता है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करता है। न्याय यह मांग करता है, कोर्ट इसे प्रदान करता है। वह राइटर तब कहता है कि जब मच्छर पर क्रोधित हो जाता है और उसे कहता है तुम आवारा हो, बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है, तो कई तुम्हारे खिलाफ कई चार्जेस हैं, तो न्याय की यही मांग है कि तुम्हें मौत की सजा दी जाए। तब यह वाक्य कहता है कि न्याय की यही मांग है और कोर्ट इसे प्रदान करता है। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, कह रहा है कि स्वतंत्रता की सुखद भावना थी, सुखद सुखद भावना होती है अबाउट बींग एलोन इन ए कैरिज, एक डिब्बे में अकेले होने पर, दैट जो जो डिब्बे के लिए वह डिब्बा जो इज जोस्टलिंग नॉइजली, जो झटके देते हुआ शोर मचाता हुआ जा रहा हो थ्रू द नाइट, पूरी रात, इसमें यहां पर थ्रू रहेगा, थ्रू नाइट का मतलब पूरी रात। इसमें यह कहना चाह रहा है कि एक डिब्बे में एक ऐसे डिब्बे में जो कि झटके देते हुए शोर करते हुए पूरी रात जा रही हूं, उस डिब्बे में अकेले अकेले होना जो है एक सुखद ऐसा सुखद स्वतंत्रता का एहसास कराता है। अगला क्या, आई कैन नॉट गो सो फार एस, इसमें रहेगा सो, जी आई कैन नॉट गो सो फार एस दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, चैरिटी में दानशीलता, सिविलिटी में सभ्यता, करे कि मैं जो है मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसका ये कहने का मतलब है कि मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता से दूर नहीं जा सकता था। उसका वह तब कहता है कि जब कहता है कि सेंट फ्रांसिस जो है तुम्हें छोटा भाई कहते होंगे, तो सेंट फ्रांसिस जो था छोटे छोटे जीवों से अभी अत्यधिक प्रेम करते थे, तो वह ईसाई थे, तो इस संदर्भ में वह राइटर उससे मच्छर से कहता है। आई वेंट आउट, इसमें इंटू रहेगा, आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकला। यू कैन नॉट ओपन द विंडो, यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट, तुम खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो विदाउट प्रोवेकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, प्रोटेस्ट में विरोध, तुम खिड़की को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो बिना किसी विरोध के। या कि माई पर्सनल वॉज अराउस्ड, इसमें होगा माई पर्सनल वैनिटी, वेंट मिस गौरव, कह रहा है मेरा व्यक्तिगत गौरव जाग उठा। तब कहता है जब मच्छर तीसरी बार आस के ऊपर बैठता है और वो गुस्से में जाता है, तब कहता है कि मेरा मेरा व्यक्तिगत गौरव जाग उठा। एज ए क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, ऐसा मैंने देखा कि माई माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था, यहां पर फेलो ट्रेवलर रहेगा। आई स्ट्रक स्विफ्ट, मैंने प्रहार किया स्विफ्ट, एक तेज लीदल ब्लो, एक तेज और लेदल ब्लो और एक घातक प्रहार विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से मैंने एक तेज और घातक प्रहार अपने दाहिने हाथ से किया, लेदल मीन्स घातक होता है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, राइटर कहता है हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे महसूस करता टू ए क्रिएचर, उस जीव से हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो इतना आसानी पूर्वक मेरा मालिक बन गया था, इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र प्रतियोगिता में वी हैड इवर इंगेज्ड, सॉरी इसमें एक गलत दे दिया है,
ये गलत है, यहां पर एंगेज्ड होगा उस एक प्रतियोगिता में जो हमारे बीच हुई थी, यहां पर एंगेज रहेगा, ये गलत है। तो ऐसा कह रहा है कि मैं अपने आप को सुपीरियर कैसे महसूस करता है जबकि वह एक हमारे बीच होने वाले एक कंपटीशन में वह आसानी पूर्वक मेरा मेरा मालिक बन गया था, मतलब वह मुझसे जीत गया था। अगला देखिए, ये 70 वाला भी रॉन्ग है, ये गलत है। 18वां देखिए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन बल्कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रिप्राइव मीन्स होता है क्षमा करना। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। धन्यवाद मित्रों, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। अब इसके बाद जो है कुछ पैसेज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस लेसन का। धन्यवाद मित्रों।